कन्नौज देखिए 11,000 की लाइन का तार अचानक टूट कर किसान पर गिरा, फिर क्या हुआ। लाइव वीडियो रिपोर्टर दर्शन राजपूत, इंद्रगढ़ हाईटेंशन लाइन का तार टूट कर किसान के ऊपर गिरा, गंभीर रूप से घायल, फर्रुखाबाद उपचार के लिए गए। खेत पर घास काट रहे श्याम सुंदर पुत्र ज्ञा प्रसाद, उम्र 40 वर्ष, निवासी गाड़िया। खेत पर खाना देने आई पत्नी पुष्पा देवी ने पति को घायल अवस्था में तड़पते देख चिल्लाने लगी। शोर सुनकर आसपास काम कर रहे लोग दौड़कर पहुंचे और लकड़ी से ऊपर पड़े तार को हटाया। हालत नाजुक देख प्राइवेट अस्पताल खरनी में दिखाया, जन्हा से फर्रुखाबाद उपचार के लिए चले गए। ग्रामीणों द्वारा कई बार 108 नंबर पर कॉल किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। चौकी पुलिस ने फोन कर सप्लाई बंद कराई। ग्रामीणों ने बताया कि चप्पेना व राजपुर फीडर की लाइन 50 वर्ष पुरानी होगी, जिससे पहले भी हादसे हो चुके। ग्रामीणों ने लाइन बदलवाने की मांग की है। 13 अप्रैल 2017 को 40 बीघा फसल जलकर नष्ट हुई। अक्टूबर 2017 में 3 बीघा फसल जलकर नष्ट हुई। आश्वासन देने के बाद भी नहीं बदली गई लाइन। मांग करने वालों में घनश्याम, टिटू, राम सागर, श्यामू गोविंद सहित दर्जनों लोग शामिल रहे। दादा कहाँ रहते हो आप? हम यही रहा। कौन सा गाँव है? गढ़िया। गढ़िया। अच्छा, क्या हुआ गढ़िया में? गढ़िया में हमारा ये जो भाई है। क्या नाम है भाई का? श्याम सुंदर। अच्छा, आपका भाई है? जी हाँ, चाचा का लड़का है। अच्छा, श्याम सुंदर नाम है। जी हाँ। क्या उम्र है उनकी? उम्र होगी करीब 40 के आसपास। अच्छा, उनके पिताजी का नाम क्या है? ज्ञा प्रसाद शर्मा। तो यहाँ क्या करने आए थे खेत में? यहाँ ये घास काट रहे थे। अच्छा, धान के खेत को तैयार करने के लिए कोने साफ कर रहे थे, घास काट रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर वो अचानक तार टूट के उनके ऊपर गिर। अच्छा, 11,000 अच्छा हाई टेंशन लाइन का ये तार जो है ना उनके ऊपर टूट के गिर गया। तो दादा बताना चाहेंगे लाइन कब बनाई गई थी? लाइन तो ये करीब 50-60 साल पहले। अच्छा, ये 50-60 साल पहले लाइन बनाई है। अच्छा, तब से क्या ये लाइन कभी बदलवाई नहीं गई? नहीं नहीं बदली गई। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ गांव में कोई हादसा हुआ? हाँ हुआ। क्या हुआ था? एक बार नहीं, 2-4 बार हो चुका। एक पिछली साल तो गेहूँ जल गए थे। लगभग कितने गेहूँ जल गए थे? करीब 35-40 बीघा। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? विभाग ने क्या किया फिर? विभाग ने फिर पैसे दिए थे। पैसे दिए थे, मुआवजा दिया था, लेकिन लाइन नहीं बदलवाई। लाइन नहीं बदली, कह रहे थे कि लाइन बदलेंगे, बदली नहीं। अच्छा, कोई मतलब ही नहीं। तो आप लोगों ने फिर आज विभाग को सूचना करी है? आज विभाग को सूचना लाइन में 3 बार फोन करो, लाइनमैन आए ही नहीं। सीधी लाइनमैन आए ही नहीं है ना। अच्छा, लाइनमैन आए नहीं। क्या नाम लाइनमैन का? क्या नाम है? अच्छा, आपने उनका फोन वगैरह लगाया होगा? अच्छा, तो बात नहीं हुई आपकी? नहीं। धन्यवाद।